नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप कोरोना वायरस का नाम कई बार सुन चुके होंगे। चीन से फैला बैक्टीरिया जो नॉर्मल जुखाम करने से लेकर इंसान की जान तक ले सकता है, इसका नाम इसके शेप के आधार पर रखा गया है। ये जानवरों और इंसानों दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये जानवरों से इंसानों में फैला है। करीब रहने या चीज़ें शेयर करने से ये और ज़्यादा फैल सकता है। अब तक कई देशों में इसके मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO अभी इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से इनकार कर रहा है। भारत में इसके कुछ संदिग्धों को हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वायरस के क्या लक्षण होते हैं और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। पहला पॉइंट, कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं। कोरोना की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका नतीजा कोल्ड यानी सर्दी जुखाम के तौर पर देखने को मिलता है। हालांकि इस वायरस के लक्षण इतने कॉमन हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित ना भी हो तब भी उसमें इसके लक्षण दिख सकते हैं, जैसे नाक बहना, सिर में तेज दर्द, खांसी, कफ, गला खराब होना, बुखार, थकान, उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ वगैरह। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी इसी के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कोरोना फैलने से रोकने में आप क्या एहतियात बरत सकते हैं। WHO ने इस जानलेवा वायरस को रोकने से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस हैं, बीमार और संदिग्ध मरीजों की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में दिखें तो उससे दूर रहें। जिन देशों में या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहाँ यात्रा करने से बचें, हाथों को अच्छी तरह धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। खांसी या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक कर रखें। अपने हाथ और उंगलियों से आंख, नाक, मुंह को बार बार न छुएं। पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी छूने या किसी से हाथ मिलाने से बचें। ऐसा करते हैं तो उसके बाद हाथ साबुन से जरूर धोएं। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा और क्या सावधानी बरती जा सकती है। पहली और सबसे अहम बात यही है कि जब तक कोरोना का प्रकोप शांत नहीं हो जाता, सी फूड और नॉनवेज से जितना हो सके दूर रहें। कहीं बाहर से आने या कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साफ करें, सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि हैंड वॉश या साबुन से धोएं। हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखें। जहां पानी से हाथ धोने की व्यवस्था ना हो वहां हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के बाद हाथ साफ किए बिना उन्हें चेहरे और मुंह से ना लगाएं। बीमार लोगों की देखभाल के दौरान अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। अपने नाक और मुंह को कवर करके रखें। मरीजों या संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल किए हुए बर्तन और कपड़ों का उपयोग करने से बचें। चौथा पॉइंट, एक बड़ा सवाल, क्या कोरोना से मौत हो सकती है। 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक चीन में कोरोना से करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे तो कोरोना की शुरुआत नॉर्मल सर्दी जुकाम या निमोनिया की तरह होती है, लेकिन केस सीरियस हो जाए तो इस इन्फेक्शन की वजह से सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है और इससे मौत हो सकती है। अगर कोरोना लंबे वक्त तक बॉडी में मौजूद रहा या घातक स्तर पर पहुंच गया तो जानलेवा भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट, कोई दवाई है क्या। अभी तक कोरोना का कोई निश्चित इलाज नहीं खोजा जा सका है। चीन में इसके इलाज में HIV की दवाइयां भी यूज हो रही हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना से फैले वायरस और निमोनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसका 3 महीने में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो कोरोना के लक्षणों और उससे बचाव के उपायों पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।